कर रहे 70 लाख की गिनती में आशा मिडडे मील और आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर सभी योजना कर्मियों को ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की तरफ से मैं क्रांतिकारी नमस्कार करती हूँ, नमन करती हूँ और सबको नए साल की बधाई भी देती हूँ। साथियों, मेरे से पहले अभी दो हमारे साथी ने अपनी अपनी स्कीम के बारे में बात रखी और आईसीडीएस स्कीम के बारे में अभी वीना जी ने भी बताया आपको कि ये सबसे पुरानी स्कीम है। 2 अक्टूबर 1975 को जब इस स्कीम को शुरू किया गया, देश के अंदर जो भूखमरी और लगातार खून की कमी और जन्म के समय बच्चों की मृत्यु और गर्भवती दूध पिलाऊ औरतों के अंदर खून की कमी के कारण बहुत सारी माओं की जन्म जनेपे के समय मौत होना, ये ऐसा एक भयानक दृश्य हमारे देश में था। और इस स्कीम को चलाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट से शुरू करके धीरे धीरे आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के काम के नतीजे को देखते हुए इसका सर्वव्यापीकरण किया गया, जो आज देश के अंदर 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्र मंजूर हैं, पर लगभग 13.5 लाख ही काम कर रहे हैं, बाकी अभी भी खाली पड़े, उनकी अभी भी जरूरत है। साथियों, देश के अंदर इस स्कीम को काम करते हुए 47 साल पूरे होके 48 में जा रही है, पर बड़े दुख की बात है कि इतने लंबे समय के बाद भी आज तक ये स्कीम है। बार बार मांग करने से, अलग अलग राज्यों के अंदर बड़े जोरदार संघर्ष करने से भी सरकार के कान पे जू नहीं सक रही है कि वो इसको डिपार्टमेंट बनाए, आईसीडीएस स्कीम को रेगुलर करे और इसमें काम करने वाले आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों को सरकारी कर्मचारी बनाए। जहां जहां पे आंदोलन है वहां वहां पे साथियों की कुछ थोड़ी सी स्थिति में सुधार है। अभी भी देश के कई राज्य ऐसे हैं जो सिर्फ केंद्र के दिए गए मानदेय पे ही अपना गुजारा बसर कर रहे हैं। महंगाई चाहे आसमान को छू रही है, देश के सत्ता पे बैठे आकाओं को इस बात की कोई चिंता नहीं है कि देश के अंदर जहां गरीब और गरीब होता जा रहा है और गरीब परिवारों से जुड़ी हुई महिलाएं और गरीब बच्चों के लिए काम करने वाली महिलाओं के घर के हालात क्या हैं, वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। आईसीडीएस स्कीम को 6 सेवाओं के लिए तय किया गया था, जिसमें था प्री स्कूल एजुकेशन देना, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देना, टीकाकरण करना, हेल्थ चेकअप करना, रेफर करना, हेल्थ एंड फूड संबंधी एजुकेट करना। इन समस्याओं को लगातार बाकी स्कीमों ने बाद में 2005 में आशा ने ज्वाइन किया हेल्थ स्कीम को। इससे पहले ये पूरा काम हेल्थ का सिस्टम का भी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर ही देखते थे, जिन्होंने देश के अंदर पोलियो जैसी नामुराद बीमारी को जड़ से खत्म करके एक कीर्तिमान स्थापित किया। और लगातार देश के अंदर जो बच्चों की जन्म दर और मृत्यु दर में कटौती आई है, वो काम भी बड़ी लगन और मेहनत से आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्परों ने किया, पर सरकार ने बदले में क्या दिया? लगातार काम की बढ़ोतरी, एक स्कीम के लिए अपॉइंट किया, बाद में किशोरी योजना को जोड़ दिया, पूरी योजना मातृत्व वंदना योजना को जोड़ दिया, अम्ब्रेला स्कीम बना दिया, पोषण अभियान लेके आ गए और अपने ही डिपार्टमेंट की योजनाओं से मन नहीं भरा तो अलग अलग डिपार्टमेंट के काम, बीएलओ करो, जनगणना करो, पशुओं का सर्वे करो, नशेड़ियों का सर्वे करो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान करो, और यहां तक कि सरकार ने स्वच्छ भारत इंडिया के नाम पे, शाइन इंडिया के नाम पे आंगनवाड़ी वर्करों की सुबह 4 बजे उठ करके हाथ में बैटरी और विसल लेके खुले में शौच जाने वाले व्यक्तियों का पहरा देने तक के ऑर्डर यहाँ की सरकार ने, भारत की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने आंगनवाड़ी वर्करों को दिए गए। नए नए काम, नए नए फरमान, नई नई नाम के, आप सुन के हैरान रह जाएंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे हमारी उत्तराखंड की मंत्री ने लोगों को सरकारी फरमान जारी किया कि मंत्री जी कावड़ लेके आ रही हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नाम के लिए, इसलिए आंगनवाड़ी वर्कर शिवालयों में जल चढ़ाने के लिए आएंगे। ऐसे ऐसे फरमान स्कीमों के अंदर लपेट के आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्परों के ऊपर थोपे जा रहे हैं, पर लगातार
जब से ये बीजेपी की सरकार इस सत्ता पे काबज हुई है। स्थिति तो पहले भी अच्छी नहीं थी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की, पर लगातार काम का बढ़ना, प्लानिंग बोर्ड को तोड़ना और लगातार बजट की कटौती करना, ये इसका मुख्य कार्य बन गया है। तो और ये यहां तक कि भारत की सरकार की ओर से ऑर्डर निकाला जाता है राज्यों को कि आंदोलन करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाए, उनकी बात सुनने के लिए कोई ऑर्डर नहीं जाता है और उन ऑर्डरों को तुरंत राज्य की सरकारें लागू करने के लिए बहुत जल्दी में आ जाती हैं। पर जो कोई ऑर्डर आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के हित में आता है, उसका पन्ना खोलने के लिए ना भारत सरकार के अधिकारियों के पास टाइम है और ना राज्य सरकार के अधिकारियों के पास टाइम है कि आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के अधिकारों के लिए अगर कोई भी सरकारी पत्र या कोई न्यायालय का पत्र आया है तो उसको पढ़ के आंगनवाड़ी वर्कर के हेल्पर के हित में कोई काम किया जाए। अभी अभी आप सबको पता है, इसके बारे में पहले भी आप सबको सूचना दी गई है कि 25 अप्रैल 2022 को भारत की माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को ग्रेच्युटी देने का फैसला आया है। आप देखो कितने महीने हो गए हैं, अभी तक आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को ग्रेच्युटी लागू किया जाए भारत की सरकार से किसी भी राज्य के चीफ सेक्रेटरी को, डिपार्टमेंट को कोई चिट्ठी नहीं लिखा। यहां तक कि हमारी विभाग की मंत्री, हमारी विभाग की मंत्री आप सबने सुना पार्लियामेंट के अंदर 2022 में आया सर्वोच्च न्यायालय का फैसला उसको याद नहीं है, उसके बारे में उसको उत्तर नहीं देना है। अगर किसी मेंबर पार्लियामेंट ने सवाल पूछा है आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के हालात के बारे में, पहली बार आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के आंदोलन ने देश के अंदर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के मेंबर पार्लियामेंट को मांग पत्र भी दिया और उनको मजबूर भी किया कि वो पार्लियामेंट के अंदर उनकी आवाज बुलंद करें। 18 से 20 मेंबर पार्लियामेंट ने इस बार आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की डिमांड को सेशन के अंदर उठाया और हमारी मंत्री जी ने 2008 के न्यायालय के जो जिसमें ये क्लियर बिल्कुल ही किया गया था कि आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को रेगुलर नहीं किया जाएगा, उन्होंने राज्यों पे छोड़ने की बात की थी कि राज्य इस पे फैसला लें, पर 22 के फैसले के बारे में किसी भी पार्लियामेंट मेंबर को नहीं बताया, 2008 के फैसले के बारे में लपेट के लोगों को गुमराह करने का कोशिश किया। बजट कटौती की बात में भी उन्होंने झूठ बोला, अपनी इतनी पवित्र पार्लियामेंट के अंदर भी किसी बात को पूरा क्लियर नहीं किया गया। इतना लगातार जिसको उस जगह पे खड़ा होके भी झूठ बोलने में कतई हिचक नहीं है तो नीचे काम करने में उनके लिए क्या होगी। तो ये सारी चीजें जो देखने को आ रही हैं पोषण अभियान के नाम पे और एक डीबीटी के नाम पे एक नया ड्रामा है। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों को पिछले 8 महीने से केंद्र सरकार की ओर से दिया जाने वाला बजट, जो मानदेय आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों को मिलना है, वो राशि भी जारी नहीं की जा रही। कभी ऑडिट के नाम पे, कभी क्लियरेंस चिट के नाम पे उसको रोका गया है। ना बिल्डिंगों का किराया है, ना आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों को मानदेय है, और ना 300 दिन जो आंगनवाड़ी सेंटरों के अंदर बच्चों को लगातार फीड देनी चाहिए और वो संतुलित होनी चाहिए, पौष्टिक होनी चाहिए, उसका एक म्यार अच्छा होनी चाहिए, उसकी एक मात्रा अच्छी होनी चाहिए, उसका किसी भी राज्य में प्रॉपर सही तरीके से कोई पालन नहीं किया जा रहा और ना ही उसकी कोई मॉनिटरिंग की जा रही है कि वो क्यों नहीं किया जा रहा, ना उसके लिए पर्याप्त बजट दिया जा रहा है। लगातार हर चीज की महंगाई होने से जो बच्चों के लिए सीमित मात्रा तय की गई थी रकम के, उसके अंदर आपको खाना देना है तो आप देखिए उसके अंदर ईंधन का बढ़ाने का भी है कि जो 400 रुपए से सिलेंडर 1100 रुपए हो गया है, एक एक चीज की कीमत इतनी बढ़ गई है, तो उसी समय से बच्चों के खाने की मात्रा है वो लगातार घटती जा रही है और उसका जो म्यार है वो भी दिखता नीचे चला जा रहा है। तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि पोषण अभियान के नाम पे लाखों करोड़ों रुपया होर्डिंग्स लगाने में खर्च किया, 18 डिपार्टमेंट को स्कीम के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वॉल्व किया, पर काम सारा का सारा आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर पे करवाया जा रहा है, यहां तक भी सबर नहीं हुआ। मटका पोषण के नाम पे नई स्कीम लेके आए, पोषण अभियान का नवीनीकरण किया मध्य प्रदेश की सरकार ने कि आप एक मटका लें, मटके के अंदर आप गांव से पहले इंटरनेशनल भिखारी बने, सबके घर के जाके भीख मांगे और वो सारा अनाज इकट्ठा करें और उसमें से कुछ बेच के उसका घी और चीनी लेके आए
और फिर उससे लड्डू बना करके फिर आप लोगों को खिलाएं, क्या इससे, इसी को पोषण अभियान बोलते हैं। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा बजट अलॉटमेंट नहीं किया गया कि जो पोषण के लिए किया जाए। पोषण अभियान चलाने के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर चाहिए, वो भर्ती किया। पोषण अभियान चलाने के लिए आपको असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर चाहिए, पीओ को ऑफिसर चाहिए, वो भर्ती किया। सीडीपीओ को डाटा ऑपरेटर चाहिए, वो भर्ती किया। पर आंगनवाड़ी वर्कर को एक रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए सहायक चाहिए, वो भर्ती नहीं किया। वो सारा आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर से ही करवाया जा रहा है। और मॉनिटरिंग के नाम पे, डिजिटलाइजेशन के नाम पे बिना मोबाइल दिए हुए आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को इतना मानसिक परेशान किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, जो हथियार दिया नहीं वो ना चलाने के इवज में उनके खिलाफ कार्रवाई करने की धमकी दी जा रही है, लिखती फरमान जारी किए जा रहे हैं। हम हैरान है कि ये कैसी सरकार है, कैसे अधिकारी हैं, जिनको खुद पता कि मोबाइल दिया नहीं, मोबाइल का भत्ता दिया नहीं, आप उनको कैसे उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, किस आधार पे आप कार्रवाई कर सकते हैं। इतनी मानसिक प्रताड़ना है जो देश के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों को दी जा रही है, जिसको नापा नहीं जा सकता। नया काम एक और आ गया है यूपी के अंदर कि आप गाय रखिए, आपको गाय रखनी होगी आंगनवाड़ी केंद्र में, और उस गाय का पाल के उस गांव का आप जो दूध होगा वो दूध आप बच्चों को वितरित करेंगे। एक आप आंगनवाड़ी सेंटरों के अंदर आप उद्यान लगाएंगे, बगीचा बढ़ाएंगे, न्यूट्री सब्जी उगाएंगे। अरे आंगनवाड़ी वर्कर है या आला दिन का चिराग है, वो बीएलओ भी करेगी, वो जनगणना भी करेगी, वो पशु सर्वे भी करेगी, वो टॉयलेट का सर्वे भी करेगी, वो स्वच्छ भारत के लिए भी जाएगी, वो सोशल सिक्योरिटी का काम भी करेगी, वो टीकाकरण भी करवाएगी, वो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी करेगी, मातृत्व वंदना योजना भी करेगी, उड़ान योजना भी करेगी, और मैराकी प्रोग्राम भी करेगी, और नई शिक्षा नीति के तहत उनके बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेज दिया। आंगनवाड़ी सेंटरों को उजाड़ने पे तुली हुई है भारत की सरकार। तो ये लगातार जो आंगनवाड़ियों के ऊपर हमला है, कभी नई शिक्षा नीति के नाम पे, कहीं पोषण अभियान के नाम पे, और कहीं डिजिटलाइजेशन नाम के, कि उनका आप लोगों की लोकेशन होगी, लोकेशन पे चेक होगा कि आंगनवाड़ी वर्कर आंगनवाड़ी सेंटर में है कि नहीं। ये लोकेशन पहले डायरेक्टर पे लगनी चाहिए, डिप्टी डायरेक्टर्स पे लगनी चाहिए, जिला प्रोग्राम्स पे लगनी चाहिए, सीडीपीओस पे लगनी चाहिए, सुपरवाइजर्स पे लगनी चाहिए। आंगनवाड़ी वर्कर तो उसके बाद में आती है, क्या वो अपने टूर प्रोग्राम के अनुसार अपने टूर पे जाते हैं, उनकी लोकेशन नहीं है। कि आंगनवाड़ी वर्कर इतना काम करने के बाद भी आप इतनी सख्ती नजर से देखते हो कि आप लोकेशन चेक करके उनका काम चेक करोगे, पेट भरने को आप उनको पूरी तनख्वाह नहीं देते हो, एक एक साल मानदेय नहीं देते हो, तीन तीन साल बिल्डिंग का किराया नहीं देते हो, उनको मानसिक परेशान करते हो, मोबाइल नहीं देते हो, मोबाइल का बिल नहीं देते हो। आंगनवाड़ी केंद्रों में 300 दिन फीड देना, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हो, छह छह महीने, एक एक साल, दो दो साल आंगनवाड़ी केंद्र वर्करों हेल्परों की भर्ती नहीं करते हो, सरेआम सुप्रीम कोर्ट के हुक्मों की उल्लंघना करते हो, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बनती। आंदोलन में जाने वाले आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों को एस्मा लगाएंगे, मुकदमा दर्ज करेंगे, जेल में डालेंगे। इतना डर लगता है आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों से, इतनी एसेंशियल सर्विस है उनकी, तो उनकी हालत के बारे में सोचने की सरकार को जरूरत क्यों नहीं है। तो साथियों, हमने जो सीआईटू की ओर से 19 अक्टूबर 2022 को दिल्ली के अंदर बीटीआर भवन में जो एक सांझा कन्वेंशन किया था, आशा, मिड डे मील और आंगनवाड़ी तीनों ने सीआईटू के दिशा निर्देश अनुसार और पूरे देश की लीडरशिप ने चर्चा करके ये जवाब मांगो अभियान का निर्णय लिया गया था। बहुत सारी बातें हैं जो की जा सकती हैं, पर समय की एक पाबंदी है कि हमने अपनी बात एक समय में रहते हुए पूरी करनी है। तो ये जवाब मांगो अभियान के तहत किसी भी पार्टी का, किसी भी राजनीतिक पार्टी का मेंबर, पार्लियामेंट हो या राज्यसभा का मेंबर हो, किसी भी एमपी को हमें ऐसा नहीं है कि हम उसको अपना मांग पत्र न, हमें सिर्फ मांग पत्र नहीं देना है, हमने अपनी पूरी गिनती के साथ, वर्कर हेल्पर के साथ पूरा मोबिलाइजेशन करना है, अपना डिमांड चार्ट, अपने लोगो, अपने बैनर, अपने झंडे,
अपने माटों के साथ उनके पास जाना है और उनसे जवाब मांगना है कि हमने वोट आपको दिया है, आप बताइए आपने क्या आज तक हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की कभी बात उठाई? अगर नहीं उठाई तो क्या आप अब उठाएंगे? अब जो बजट में लगातार हमारी कटौती की जा रही है, जो बजट दिया नहीं जा रहा है और हमें खतरा है कि आगे भी वो बजट मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके लिए जब बजट आएगा और बजट पास होगा हम आपको देखेंगे, आप हमारे साथ खड़े होंगे या आप सरकार के साथ खड़े होके हाथ उठा के या टेबल को थपथपा के बजट को पास करने में सरकार की मदद करेंगे। तो इसलिए हमारा जो मेन बजट से पहले हम लोग पूरे देश के अंदर कोई भी मेंबर पार्लियामेंट या राज्यसभा मेंबर ऐसा रहना नहीं चाहिए, मैं देश के सभी स्कीम वर्करों से फेडरेशन के माध्यम से अपील करती हूं कि हम सब बड़ी गिनती में उनके दफ्तरों पे जाएं, कोशिश करें उनसे पहले बातचीत करके उनसे समय लें, उनसे बात करें, अपनी पूरी बात समझाएं। अब तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई बचा है कि जिसको स्कीम वर्कर की बात समझ में ना आती हो, क्योंकि स्कीम वर्कर के आंदोलन ने देश के अंदर हर राजनीतिक पार्टी को मजबूर किया है कि वो अपने चुनाव मैनिफेस्टो में आशा मिड डे मील और आंगनवाड़ी वर्कर की बात करें, क्योंकि हमारे आंदोलन ने उनको मजबूर किया है, हमारे काम ने उनको मजबूर किया है कि हमारी पहचान ने उनको मजबूर किया है, क्योंकि हमारी एक भूमिका है गांव के अंदर, गांव के समाज के अंदर, परिवारों के अंदर और पूरे एरिया को जो हम कवर करते हैं, घर घर तक हमारी पहुंच है, तो उनको हमारी जरूरत समझ में है, पर हमें अपनी जरूरत को उनकी जरूरत कैसे बनाना है। तो इसलिए हम सबको मिलके एक बड़ी गिनती में सबके पास पहुंचना है और जवाब मांगो अभियान के तहत इस आंदोलन को एक गतिशील बनाते हुए, बड़ी गिनती में तेज धार देते हुए अपना जवाब मांगना है, अपना मांग पत्र देना है, जो भी हमारी मांग्स हैं, क्या ICDS को रेगुलर करना है, 45वें सर्व सम्मेलन को कैसे लागू करवाना है और हमारी जो स्कीम है उसको रेगुलर करते हुए न्यूनतम वेज हमें मिलना चाहिए और जो सुप्रीम कोर्ट का हमारा ऑर्डर है ग्रेच्युटी का उसको लागू करवाना है और जो बजट लगातार रोका गया ICDS का और परी स्कूल के नाम पे, नई शिक्षा नीति के नाम पे आंगनवाड़ी केंद्रों को जो उजाड़ा जा रहा है, ये सारी डिमांड्स को साथ जोड़ते हुए हमारे मिनी आंगनवाड़ी सेंटरों को बड़ा करने के लिए और जो हमारे क्रैच वर्कर हैं जिनको कई राज्यों के अंदर बिल्कुल 3-3 साल से 2-2 साल से बिना मानदेय के लिए बैठे हैं, उनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़े हैं, इन सब की सारी डिमांड्स को जोड़ते हुए हमें अपने मेंबर पार्लियामेंट के पास पहुंचना है। ऐसे कहते हुए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।